तो दोस्तों हम निकले हैं अब वापसी की ओर और कुछ तस्वीरें ली हैं यहाँ की। कितना प्यारा लग रहा है क्योंकि सूरज मेरे पीछे है तो डैम का जो पानी है चमक रहा है। इससे पिछले एपिसोड में आपको पता लग जाएगा, इससे पिछले पार्ट में, कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये है तुमड़िया डैम और लगभग ये तीन एरियो में लग जाता है, काशीपुर, जसपुर और अपना रामनगर मालधन चौड़। तो ऐसा कुछ बता रहे थे यहाँ के अंकल जी। तो बाकी व्यू बहुत प्यारा है और इस साइड से वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद हो सकता है अच्छी लगे आपको तो पिछला पार्ट भी देखिए, हम पहुँचे कैसे ये पता लग जाएगा आपको। उसमें हमें देखने को मिला था जहरीला काला सांप, शायद वो कोबरा होगा लेकिन काला था, बहुत जहरीला सांप था वो। वाह वाह, अल्टीमेट जगह है, अल्टीमेट व्यू है। जो ऑफ रोड के शौकीन हैं वो यहाँ आ सकते हैं और जो घूमने के शौकीन हैं वो भी आ सकते हैं। और ये थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड प्लेस भी है, जी हाँ, अनसीन अनटच कह लें। और एक ईगल हमारे लेवल पर उड़ती हुई, इतनी ऊंचाई पर है, हम समझ लीजिए अच्छी खासी ऊंचाई पर यह जगह भी बनी हुई है। तितलियों की काफ़ी प्रजाति मुझे नज़र आ रही हैं। ओ हो 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 हो, गज़ब, आसमानी रंग का पानी हो रहा है, पूरा आसमान का जो कलर है ना वो दिख रहा है इसमें, और धूप की वजह से चमक रहा है। देख रहे हैं आप, सफ़ेद चादर सी बिछी हुई है, नीला पानी और नीला आसमान, सफ़ेद बादल, ब्यूटीफुल। दिल्ली से दूरी मैंने बता दी थी स्टार्टिंग में ही, 240 किलोमीटर लगभग पड़ेगी आपको। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आ रहे हैं, मतलब रामनगर, वो भी एक बकेट लिस्ट में इसको रख सकते हैं घूमने के लिए। हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कोई ऐसा टूरिस्ट एरिया नहीं है यहाँ जो आपको शॉप वगैरह कुछ दिखती हो। अगर ये टूरिस्ट एरिया बनता है तो जाहिर सी बात है शॉप वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको छोटे मोटे खाने के सामान या चाय वगैरह मिल सकती है। कुछ भी नहीं है, अगर आप आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अगर यहाँ आने का हमारी वीडियो के माध्यम से, तो अपने साथ ला सकते हैं सामान, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी इंजॉय करने के लिए, और नज़ारों को देखते हुए इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो सामान लाएंगे वो अपने साथ लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि नेचर वाला एरिया है, उसको गंदा नहीं करना है। जी हाँ, अभी मैंने जस्ट अभी गोप्रो बंद करा, इतना लंबा काला सांप यहाँ से निकल के गया। और इससे पिछली वीडियो में भी हमने काला सांप दिखाया था लेकिन उसमें पूंछ दिखी थी, यहाँ से पूरा सांप क्रॉस करके गया अभी। अबे यार, वो जाके देखें। अरे मैं समझा, अभी ऐसी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी ना तो मेरी निगाह नहीं गई। कहाँ से गया? यहाँ से गया। ये आइबिस उड़ रहे हैं हमारे सर के ऊपर। वो ब्रिज जो हमें डैम से नज़र आ रहा था, ये पुल दिख रहा था उस जगह से, और अंकल ने बताया था ये पुल डैम से ज़्यादा ऊंचाई पे है तो इसलिए हमें दिख रहा है। देखिए यहाँ से डैम दिख रहा है, तो बहुत दूर था यार। देखिए नज़ारा देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आ रही है नदी या नहर जो भी है, गंदला पानी है इसमें, मेरे ख्याल से नदी ही है ये, ढेला का पानी है इसमें जाके मिलता है। और नीचे जो है काफ़ी बकरियाँ घूमती हुई, सुंदर नज़ारा। चलिए, हरे भरे खेतों को देख के दिल खुश हो जाता है। फ्लाई हमारे छोटे भाई के कंधे पर आकर बैठ गई है। ये अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट गन्ने के खेत। ये देखें आप, फैमिली बैठी हुई है, बच्चे अमरूद तोड़ रहे हैं, हंसी खुशी खेल रहे हैं, बढ़िया है। और ये सोचिए आप, मोबाइल नहीं है इनके हाथों में इस वक्त, जो है हर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो उससे दूर रखेंगे तो बच्चे कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर पाएंगे। तो दोस्तों हम जब गए थे इस रास्ते से गए थे, अब आए तो इस रास्ते से आए हैं, साफ रास्ते से, ढेला नदी के पुल के ऊपर। तो दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको दूसरी सड़क दिखाएंगे जो कि जाती है पीरू मदार की ओर, ये जाती है सीधा हाथी डगर की ओर। भाई मैं तो डर गया नहीं कुकी कुछ खड़ा है, ये है भैंस खड़ी हुई, देखिए हाथी की लीद, इसलिए बता रहा हूँ हाथी डगर ऐसे नाम नहीं है, हाथी बहुत दिखते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हाथी ने छिली है। गुस्से में
पीछे भैंस ने डरा दिया, आवाज़ निकालती हुई आ रही है। तो उल्टे हाथ पर देखते हुए चलना, थोड़ा खुला मैदान है ना, और सीधे हाथ पर लिप्टिस के पेड़ भी हैं। जंगल बहुत घना है, लेकिन इसमें टाइगर भी है इस जंगल में, टाइगर लेपर्ड दोनों। हाथी तो आता ही आता है। अभी वाला पॉइंट नहीं दिखाना जो हाथियों के लिए आता है, मतलब जहाँ वाइल्ड लाइफ जो है पानी पीना आती है। ये हाथी डगर के बगल का ही जंगल है जो निकलता है चुरू मदारा के साइड। लगभग सांबर, चीतल सब मिलते हैं यहाँ पर, हिरन। यहाँ पे मिलेगा पॉन्ड, कहाँ गया वो है पॉन्ड। देखिए मैं कह रहा ना, ये भैंस जा रही है पानी की ओर, देखिए नीचे करो। हाँ, ये सुंदर नज़ारा। एक दो भैंसे हैं, अभी और भी आएंगे, अभी और ग्रुप आएगा। ये आ गया आपका पिरू मदारा। ये रामनगर को भी हमने कर लिया है क्रॉस। अरे इतनी सारी कैटल्स थी और कितने लंबे लंबे सींग थे उसके। सीधे हाथ पे बंदर, अभी हमें छोई में, और उल्टे हाथ में है दो हिरन। सामने जो रोड जा रहा है वो जा रहा है हल्द्वानी की ओर, हम उड़ गए अपने कोटाबाग की ओर। तो ये है अभी बैल पड़ाव। एक भैया जी हैं जो चरा रहे हैं बकरियाँ। आगे दो डॉग हैं इनकी रखवाली के लिए, क्योंकि ये जो इलाका है ना टाइगर का है, भालू का है। थोड़ा ये घना जंगल है, हाथियों का इलाका है, इसलिए कंटिन्यू मैंने ये वीडियो रखी है यहाँ से। ये है पवलगढ़ का जंगल पूरा, और देखिए यहाँ पे गांव वाले जो हैं लकड़ी, सूखी लकड़ी उठाने के लिए आए हैं। देखिए इसमें भी मेहनत लगती है, रिस्क है इसमें भी। पहुँच गए अपने घर। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।